हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है अबीर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। आज भी मेरे पास आप लोगों के लिए काफी सारी न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक देखें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में पहली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो की वायरलेस पे अपराध के रिलेटेड है, जो की इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर में मौजूद है। तो काफी ज्यादा लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। लोगों का ये कहना था की वो जिस भी टीम को सपोर्ट करने के लिए जाते हैं वो टीम हार जाती है। अच्छा, आप लोग मुझे मैसेज भेजना बंद कर दें। मैंने अपनी टीम के साथ जो है ना उसकी शर्ट छुपा ली है, ये देखें, ऐसे अब मैंने आगे जापान की रखी हुई है। जापानीज ऐसे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं ना, वो आ जाते हैं हर थोड़ी देर के बाद। ची, ये लोग अच्छे हैं, लेकिन वो जैसे कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अबरार भाई आप स्टेडियम में जाके, मैं दो बार गया हूँ दोनों बार ऑनेस्टली हारने वाली टीम के सपोर्ट किया रहा था, तो मे भी हो सकता है कि वो होता है ना कारमा, वो क्या कहते हैं यार, मनुष्य लगभग तो जरा बुरा हो जाएगा, लेकिन मे भी कुछ ऐसे साइंस लग रहे हैं। तो कल मैं सोच रहा हूँ किसको सपोर्ट किया जाए स्टेडियम में। मैं ब्राजील और सर्बिया के मैच की ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपके पास टिकट है और। तो वीडियो में अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अरसलान ऐश के रिलेटेड है, जो कि इन दिनों जापान के शहर टोक्यो में मौजूद हैं टेकन 7 के वर्ल्ड कप के लिए। उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि उनको फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे। हमें इस बारे में जैसे ही कोई मजीद अपडेट मिलती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो में अगली न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वासे चौधरी के रिलेटेड है। पंजाब सेंसर बोर्ड ने ये अनाउंस किया है कि वो वासे चौधरी को वाइस चेयरमैन ऑफ पंजाब सेंसर बोर्ड मुकर्रर कर रहे हैं। अली जफर ने भी वासे चौधरी को विश करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाई। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा शोबिज स्टारों ने वासे चौधरी को वाइस चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दी। तो वीडियो के एंड पर बात कर लेते हैं मुबीनुल हक के बारे में, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने जुनेद अकरम को ट्रोल करते हुए उनको गंजा बोला। जुनेद अकरम को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं, मगर मसला ये है कि यहाँ पे बहुत हजारों की तादाद में गंजे हैं बैठे हुए, अब कैसे पता चलेगा कि जुनेद कहाँ है। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।